चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई मैग्नस के इस गुरु गोविंदम बैच में। हम लोग मैथमेटिक्स में जो वर्ग दो के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें नंबर सिस्टम के अंदर फैक्टर एक टॉपिक है। इसकी एक क्लास अभी हो चुकी है जो आपको आज ही मतलब 9 तारीख को मिल जाएगी, 9 फरवरी को मिल जाएगी। वो क्लास एक्चुअल में 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, पर पता नहीं क्यों लोगों ने, हमारे टेक्नीशियन लोगों ने उसको लाइव किया नहीं आपके लिए, मतलब अपलोड नहीं कर पाए अभी तक। और मैं एक दिन की छुट्टी पर था बीच में, इसलिए क्लास नहीं ले पाया आपकी। तो ये जो गुणनखंड क्लास है, फैक्टर्स की जो क्लास है, ये सेकंड है, सेकंड क्लास, क्लास 2 है ये। इस क्लास को देखने से पहले आप पहली क्लास ज़रूर देख लें मेरे भाई, क्योंकि फैक्टर्स को 2 टुकड़ों में पढ़ाया है। तो कुछ जो बेसिक बातें हैं, शुरुआत वाली बातें हैं, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन सी चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इस क्लास में, वो मैं आपको बता दूँ। देखो, फैक्टर्स में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। कहाँ गए हो, ये जिसमें से मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि टोटल फैक्टर, कुल फैक्टर्स की संख्या कैसे निकालते हैं, ऑड यानी विषम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इवन यानी सम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड, पृथक अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये सब मैं बात बता चुका हूँ। इवन यहाँ तक 6 चीज़ें मैं उसमें कवर कर चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। अब परफेक्ट क्यूब फैक्टर से हमें पढ़ना था, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पढ़ना है, और लास्ट पढ़ना है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। और फिर इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो ये पिछली क्लास में हो चुका है हमारा। अब इसमें हमें कहाँ से पढ़ना है आगे, वहाँ से हम कहानी की शुरुआत करते हैं आज। देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन ये मैंने करा दिया था आपको, ये पूर्ण वर्ग वाला सवाल था, पूर्ण वर्ग वाला। अब परफेक्ट क्यूब वाला क्वेश्चन हमें करना है। परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, या मैं कहूँ इसको तो इसको बोल सकते हैं पूर्ण घन गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड। इस बात का मतलब क्या होता है, ये बात समझ लो थोड़ी सी। जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 3, तो 2 जो नंबर है, देखो पहले तो कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, जैसे सपोज 100 लिखा है, तो 100 को हमें किस में तोड़ना पड़ता है भैया, प्राइम नंबर्स में। किस में? प्राइम नंबर्स में, जितने भी प्राइम नंबर में तोड़ सको इसको, प्राइम नंबर्स में। जैसे 100 को तोड़ने की बात करूँ तो 100 के एक फैक्टर 2 होता है। अगर मैं बड़े बड़े फैक्टर्स की बात कर लूँ तो 4 गुणा सिंपल सा 25 होता है, लेकिन ना तो 4 प्राइम फैक्टर है ना 25 प्राइम फैक्टर है, प्राइम संख्या है। तो हम इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो हमें एक बात समझ में आई कि ये 2 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है, यही इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। लेकिन उसने कहा परफेक्ट क्यूब फैक्टर चाहिए, मतलब कोई ऐसी संख्या लो जिसका परफेक्ट क्यूब बनाया जा सके, पूर्ण घन बनाया जा सके। जैसे मैं 2 की पावर 3 लूँ, तो ये 2 की पावर 3 है क्या, एक्चुअल में ये 8 है, 8 है, 8 है। और 8 एक जो संख्या होती है, 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब होता है, 8 एक क्यूबिक संख्या है। अब इसके ऊपर मैं 1 की पावर लगा दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 8 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नंबर है, 8 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसकी पावर 1 है, ठीक है। तो मुझे दी गई संख्या को परफेक्ट क्यूब में बदलना पड़ेगा, है ना, इस बात को ऐसे समझो। चलिए इस उदाहरण से समझते हैं। 1500 को अगर मैं टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ तो मैं ऊपर ऊपर से बात करूँ मोटा मोटी, तो मैं ये कह सकता हूँ 3 गुणा 5 तो होगा ही होगा, और 4 गुणा 25 भी होगा, 4 गुणा 25 भी होगा, इतने फैक्टर होंगे। 5 15 15 6 60, 60 गुणा 25 1500 होता है। अगर मैं अभाज्य संख्या में इसको तोड़ूं तो बोलूंगा सर ये तो 2 की पावर 2 है, और ये 3 की पावर 1 है, और ये 5 और 5 की पावर 2, यानी ये 5 की पावर 3 है। इसके ये फैक्टर्स आ गए, 1500 के प्रॉपर अभाज्य फैक्टर ये आ गए, प्राइम फैक्टर्स ये आ गए, है ना। पूर्ण घन चाहिए मुझे। देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, इसको देखो, 2 संख्या जो नंबर 2 है ना, 2 एक नंबर है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, 3 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 की पावर 2 को मैं 4 की पावर 1 लिख सकता हूँ, लेकिन 4 भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 3 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो मैं 5 को ज़रूर लिख सकता हूँ कि इसको 125 की पावर 1 लिख दूँ। 5 की पावर 3 है मतलब 125, 125 की पावर कितना लगा सकते हैं, एटलीस्ट 1 तो लगा ही सकते हैं। और हमने देखा था कि फैक्टर्स की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसे समझो, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। बोले नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने के लिए सर हम ये देखते हैं कि इसकी पावर है कितनी, बोले 1 है, तो 1 में 1 और जोड़ देंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर, आंसर कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का उत्तर था,
कि अगर 1500 में पूर्ण घन गुणनखंड देखें आप, 1500 में पूर्ण घन गुणनखंड देखें तो वो कितने होंगे? बोले वो होंगे दो, दो हो गए। ठीक है, अब 1728 की बात करते हैं। तो 1728 को आप सिंपली जानते होंगे कि 12 का क्यूब होता है। क्या होता है? 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। लेकिन 12 को हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 12 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? बोले इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 की पावर 3, 3 लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 × 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 की पावर 3 है। इसको अगर बाहर लिखना चाहें तो 2 की पावर में 6 लिख सकता था, इसको 3 की पावर 1 लिख सकता था, 3 की पावर 1 लिख सकता था, सॉरी 3 की पावर 3 लिख सकता था, 3 की पावर 3। जब अलग अलग पावर लगाई तो 2 की पावर 6 को 2 नंबर तो ले नहीं सकते, क्योंकि 2 एक क्यूबिक संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है। तो 2 को घन में बदलें तो अगर 4 8 कर दें इसको, इसे ऐसा मैं लिख दूं 2 की पावर 3 की पावर 2, तो क्या ये 6 बनेगा? बिल्कुल, 3 × 2 = 6, बिल्कुल 3 से भाग दो तो 2 बार चला जाएगा। और 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो इसको 27 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर 3 लिखने का मतलब है मैं इसको 8 की पावर ऐसे लिख दूँ, 2 8 की पावर 2, क्योंकि अंदर 2 की ये 2 की पावर 6 का मतलब क्या है? 2 6 बार गुणा हो रहा है, 2 का 6 बार गुणा हो रहा है। तो एक बार हमने 3 निकाल ली, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3, यानी कुल मिला के 8 की पावर 1 8 की पावर 1, यानी 8 की पावर 2 बन गया, 8 की पावर 2 बन गया। अब जो अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या है, ये 27 भी पूर्ण घन संख्या है, तो इसकी जो भी फाइनल पावर आ जाएगी वही हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, तो हम कहते हैं कि 2 में 1 जोड़ के लिख दो, और यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ के लिख दो, ये तो 3 बन जाएंगे सर, ये 2 बन जाएंगे, कुल मिला के कितने आ जाएंगे? 6 फैक्टर्स आ जाएंगे, कुल मिला के कितने आ जाएंगे? 6 फैक्टर्स आ जाएंगे। 6 ही आएंगे क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं करती हमने? नहीं भाई, 2 × 3 = 2, 2 × 4 = 4, 3 = 12 बिल्कुल होते हैं, 2 की पावर 2 आ जाएगी, 3 की पावर 1, 2 की पावर 6 हो जाएगी, और 3 की पावर 1, बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा सा सवाल लेते हैं ऐसा। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, 12 की पावर 7, 30 की पावर 8, 5 की पावर 9, 10 की 8 की पावर 10 की, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन होंगे, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स होंगे, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स होंगे? तो सबसे पहले हमें 12 की पावर 7 को तोड़ के लिखना पड़ेगा। देखो भाई 12 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 की पावर 2 × 3, 4 × 3 होता है, तो 4 × 3 को 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, है ना, 2 की पावर 2 लिख लेते हैं। तो भाई मैं इसको ऐसा क्यों नहीं लिख दूँ, 2 की पावर 7 है ना, 2 की पावर 14 लिख दूँ इसको, और 3 की पावर 7 लिख दूँ, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 2 की पावर 2, 2 को 2 बार गुणा करने की जगह 2 की पावर 2 लगा दी हमने बस, और उस पर 7 लगी थी तो उसकी पावर डबल हो गई, 7 की डबल हो गई 14। ठीक, 30 की बात करें तो 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, और सबकी पावर 8 8, 5 की पावर 9 × 8 को अगर आप टुकड़ों में तोड़ो, 8 को टुकड़ों में तोड़ते हो तो 8 क्या आएगा? 2 की पावर, देखो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की पावर 10 है, तो 2 की पावर सीधे 30 लिख दें, 30 लिख दें, 2 को अलग कर लो, 3 को अलग कर लो, 5 को अलग कर लो, है ना। तो आप यहाँ से देखते हैं 2 की पावर 30 यहाँ है, 8 यहाँ है, 14 यहाँ, 8 और 14 22, 22 और 30 52 होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर तो सर 52 होगी। 3 की पावर की बात करें तो 7 और 8 = 15, 3 की पावर 15 होगी, और फिर 5 की पावर की बात करें तो 8 और 9 = 17, 5 की पावर 17 होगी सर, ये बन गया, ये बन गया। लेकिन ना तो 2 परफेक्ट क्यूब नंबर है, ना 3 ना 5, इनको परफेक्ट क्यूब में बदलना है, तो सर मैं 2 की पावर अगर 3 लिख दूं तो ये 8 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा सर। इसकी पावर अगर 3 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर ऊपर कितनी बचेगी? बोले 17 * 3 = 51, 51 तक तो जा सकते हैं, 52 भी छोड़ दो आप, ठीक है, 3 की पावर 15, तो 3 की पावर पहले 3 लिख दें तो 27, 3 से भाग लगाएं 15 में तो 5 आएगा, बिल्कुल
15 पूरा कट गया, 5 की पावर 3 लिख दें तो ये बन जाएगा 125, परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। अब 5 का 17 में भाग लगाओ तो कम से कम 3 बार तो जाएगा, यानी 3 जोड़े तो ऐसे बनेंगे, 2 को आप छोड़ दो। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका वही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका वही, जो शुरुआत से सिखाया था आपको सेम। बोले ऊपर कितना 17 है तो 17 में 1 जोड़ देंगे आप, ये 5 है इसकी पावर तो 5 में 1 जोड़ देंगे, और यहाँ यहाँ भी 5 ही आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे। देखो 17 और 1 तो 18 बन गया, ये 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, इनका आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो 36 × 18, 18 छिंके 108, सॉरी 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, और 10 बचा, 18 × 54 = 54 = 10 = 64, 648। उत्तर आ गया आपका 648, 648 इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो 648 होगा। ये कौन से फैक्टर हैं परफेक्ट क्यूब फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर हैं जिनकी संख्या 648 होगी, है ना। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, इससे भी अच्छे सवाल बनते हैं ना, अच्छे सवाल बनते हैं, तो इसको देखिए, गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, देखो भाई, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, मैं अगर 24 की बात करूं तो 24 के गुणनखंड निकालें आप, तो आप बोलेंगे सर 24 का गुणनखंड एक तो एक होता है, उसके बाद 2 होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 6 के बाद 8 भी होता है, क्योंकि 8 से भी 24 भाग जाता है, फिर 12 भी होता है और 24 भी होता है। अगर मैं इन फैक्टर्स की बात करूं तो ये नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं, बोले सर 8 है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं, 8 है। लेकिन हमें ये नहीं बताना कि इस नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं, हमसे तो ये पूछा गया मेरे भाई कि फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना होगा, फैक्टर्स का गुणनफल कितना होगा, ये बताना है। तो बोले गुणनफल कैसे निकालें, गुणनफल का मतलब ये है कि सबका आपस में गुणा कर दो, सबका क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, सबका आपस में गुणा करते हो तो एक बहुत बड़ा गुणा आएगा मेरे भाई, बहुत बड़ा गुणा आएगा। कितना बड़ा आएगा, देखो अगर आप 1 का 24 से मल्टीप्लाई करते तो क्या 24 आता, बिल्कुल आता। 2 का 12 से गुणा करते तो क्या 24 आता, बोले बिल्कुल आता। 3 का 8 से गुणा करते तो क्या 24 आता, बोले बिल्कुल आएगा। 4 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तब भी 24 आएगा, तब भी 24 आएगा। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है 24 चार बार लिखा है, मतलब 24 की पावर 4, 24 की पावर 4 है, 24 की पावर 4 है। अच्छा, इस चीज़ को कैसे बनाया, कैसे कॉन्सेप्ट तैयार करें, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर आपने जब टोटल फैक्टर्स निकाले तो उनकी संख्या कितनी है, 8 है। टोटल फैक्टर्स की संख्या कितनी है, 8 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक संख्या एक्स है और उसके फैक्टर्स की संख्या एन है, उसके फैक्टर्स की संख्या n है, एक संख्या कोई भी संख्या है x है, और उसके जो टोटल फैक्टर हैं, टोटल गुणनखंड हैं, उनकी संख्या कितनी n हो, n हो, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालें, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, बोले प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका संख्या है यानी 24, उसकी पावर जो भी हो, देखो यहाँ पर फैक्टर कितने 8 है और यहाँ पर 24 की पावर कितनी है, ये 4 आई है, 4 आई है मतलब 8/2, मतलब n बटे 2 आई। अच्छा, इसको उसी के रूप में लिखें, संख्या अगर आपकी x है उसकी पावर n बटे 2 होगी, n बटे 2 होगी, इस बात को यहाँ पर समझना है हमें क्वेश्चन के साथ में। मैंने ये कहा कि अगर आपकी संख्या x है और उसके टोटल फैक्टर या टोटल गुणनखंड n हो, तो उन संख्याओं का गुणन, उन फैक्टर्स का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वो होगा संख्या की पावर में फैक्टर बटे 2, संख्या की पावर में फैक्टर बटे 2। इस बात का मतलब सवाल में समझते हैं, अब आपने देखा कि इसके टोटल गुणनखंड निकालने पर 8 आ रहे हैं। गुणनखंड निकालने का ये तरीका बिल्कुल
ऐसा नहीं किसी से निकालना है, आप जो निकालते आए गुणनखंड उससे निकालना है प्राइम फैक्टर्स करके। तो आपने देखा कि उसके गुणनखंड 8 है और हमने रियल में गुणा किया तो ये 24 की पावर 4 आ गया। तो हम ये कह सकते थे कि अगर 24 के फैक्टर करते तो सर मैं ऐसे करता 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 8 3 24 हो जाते। अगर मैं यहाँ से टोटल फैक्टर निकालता, टोटल फैक्टर तो कैसे निकालते सर टोटल फैक्टर? टोटल फैक्टर निकालने का तरीका वही है, अगर यहाँ 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे और यहाँ 1 है पावर तो 1 में 1 जोड़ देंगे। तो ये कितने हो जाते हैं 4 गुणा 2 बराबर 8, 8 फैक्टर आ गए। तो हम प्रोडक्ट कैसे निकालते, यानी गुणनफल कैसे निकालते, किसका? फैक्टर्स का। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते? बोले प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका वही है। क्या तरीका है सर? बोले जो भी संख्या है उसकी पावर कर दो फैक्टर्स का आधा, उसकी पावर कर दो फैक्टर्स का आधा, यानी 24 की पावर 4 आ जाती। 24 की पावर कितनी आ जाती सर? 4 आ जाती। अच्छा 24 की पावर 4 जरूरी नहीं है कि आंसर ऐसे लिखा था, तो सर कैसे लिखा सकता था? बोले फैक्टर्स में भी लिखा सकता था, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1 की पावर 4 ऐसा हो सकता था। देखो 24 को हम ये लिख सकते हैं, ऊपर लिखा ही है। अच्छा इसको और ठीक करके कैसे लिख सकते हैं? 4 का अंदर गुणा कर दें तो 2 की पावर 12 होगा और 3 की पावर 4 होगा, 3 की पावर 4 होगा, ऐसा आंसर भी आ सकता है, ऐसा कुछ आंसर भी देना पड़ सकता है आपको, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 360 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो? तो सबसे पहले आपको 360 के गुणनखंड निकालने हैं, 360 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालें सर? मुझे पता है ये 4 गुणा 9 होता है और 2 गुणा 5 भी होता है, इतने प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अभी मैंने प्राइम नहीं बनाए हैं सर, यहाँ पे 4 है, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 1 2 यहाँ पे है तो 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2 और 5 को 5 की पावर 1 लिखेंगे। अब यहाँ से कुल फैक्टर्स अगर आप निकालते हो, कुल फैक्टर की संख्या निकालते हो, तो आप बोलोगे सर कुल फैक्टर्स की संख्या होगी 3 प्लस में 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो ये तो बन जाएगा सर 4 गुणा में 3 गुणा में 2, 4 3 12 12 2 24, कुल गुणनखंड 24 आ गए। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ये तो अभी टोटल फैक्टर निकाले। बोले इनके गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, इनके गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा ये बताना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे सर हम, कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? कभी बताया था कि 360 जो नंबर है उसकी पावर कितनी आएगी सर? जो फैक्टर है उसकी हाफ आएगी, जो फैक्टर है उसकी हाफ आएगी, जो 24 है 24/2 आएगी, 24/2 आएगी, यानी 360 की पावर कितनी होगी सर? 12 होगी। 360 को और कैसे लिख सकते थे सर? ऐसे लिख सकते हैं 360 को, बोले 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 की पावर 12। अगर 12 का अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 36, 3 की पावर 24 और 5 की पावर 12, ये आंसर भी हो सकता है, और डायरेक्ट 360 की पावर 12 ये भी आंसर हो सकता है। सर क्या संख्या में आंसर लेगा? सर संख्या में आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, संख्या में नहीं पूछेगा एग्जैक्टली, पावर करवा करवा के नहीं पूछेगा आपसे, या तो आंसर ऐसा होगा या आंसर ऐसा होगा, ठीक है। एक टाइप और बचता है उसकी ओर पढ़ते हैं, चलो एक नया क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको करो, समझो इस क्वेश्चन को क्या कहा गया। इसमें कहा गया 4 की पावर 3, 6 की पावर 2, 15 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4 के हुए है गुणनखंड ज्ञात करो जिनके अंत में 0 आता हो। क्या आता हो भैया? 0 आता हो। तो भाई 4 की पावर 3 को क्या 2 की पावर 8 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, 2 और 3 में तोड़ लिया हमने इसको, 2 और 3 में तोड़ लिया। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, और 7 को तो वैसे ही लिख सकते हैं 7 की पावर 4, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर पहले से है। 2 को अगर मैं इकट्ठा करूँ तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 की पावर तो सर 8 हो गया। 3 की पावर की बात करूँ तो 3 की पावर 2 और 3, 3 की पावर 5 हो गया, और फिर 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 4 है। सर मुझे वो ये कह रहा है कि इसके अंत में 0 आना चाहिए। भैया 0 कब बनेगा? 0 कब बनेगा? जब 2 और 5 का गुणा हो तो क्या आता है? 10।
तो अंत में जीरो डेफिनेटली देगा, दो और पाँच का जो गुणनफल होगा वो अंत में जीरो पक्का देगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक दो और पाँच को अगर बाहर निकाल लूँ इन गुणनखंडों में से, इन संख्याओं में से दो और पाँच को अगर मैं बाहर निकाल लूँ किसी तरीके से, यहाँ से एक दो बाहर निकाल लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, दो की पावर सात। ये तो है ही तीन की पावर पाँच, ये पाँच की पावर तीन था, एक पाँच और बाहर निकाल लो, एक पाँच यहाँ से भी बाहर निकाल लो, दो तो निकाला एक पाँच और बाहर निकाल लो, तो अब ये दस बन गया। तो अंदर क्या बचेगा, पाँच की पावर दो और सात की पावर चार रहेगा। केवल मैंने एक दो और एक पाँच बाहर निकाला, इसकी वजह से ये दो की पावर आठ था वो सात रह गया, पाँच की पावर तीन था वो दो रह गया। अब अंदर फैक्टर्स की बात करूँ तो फैक्टर कितने होंगे, बोले ये सात हैं तो सात और एक आठ हो जाएंगे, और ये पाँच थे तो पाँच प्लस में एक यानी छः हो जाएंगे, ये दो थे तो दो प्लस में एक यानी तीन हो जाएंगे, ये चार थे तो चार प्लस में एक यानी पाँच हो जाएंगे। अगर इनकी बात करूँ तो ये आठ इंटू छः इंटू तीन इंटू पाँच, पंद्रह छक्के नब्बे, नौ अट्ठे बहत्तर, 720 ऐसे फैक्टर होंगे, 720 ऐसे फैक्टर होंगे जिनके अंत में शून्य आएगा, जिनके अंत में भैया शून्य आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो चाहिए हमें, तो दो और पाँच बाहर निकालने की वजह से हमें पता चल गया कि दो और पाँच मिलकर एक जीरो दे देते हैं, तो उससे हमें फैक्टर मिल गए। अब वो जब बाहर निकल गए वो तो एक जीरो दे देंगे, तो वो फैक्टर के रूप में नहीं बचेंगे, इसलिए हमने एक एक उनमें से कम कर दिया था, है ना। लास्ट बचा है आपका सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग क्या होता है, बोले सबसे पहले आप गुणनखंड निकालो फिर उनके योग करो, ये होता है गुणनखंडों का योग। कैसे निकालें सर, मैं जानता हूँ कि 24 के अगर गुणनखंड करूँ तो एक से इसको काट सकता हूँ सर, दो से इसको काट सकते हैं हम, तीन से काट सकते हैं, चार से भी काट सकते हैं, छः से, आठ से, बारह से और चौबीस से। अगर मैं गुणनखंड की बात करूं तो तीन और दो पाँच, पाँच तीन आठ, गुणनखंड तो आठ आएंगे, चौबीस के कई बार हमने निकाल लिए, लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि गुणनखंड बताइए, वो पूछ रहा है गुणनखंडों का योग बताइए। मतलब सर वो आपसे ये कह रहा है कि सबको प्लस करो, ये जितने भी गुणनखंड हैं इसके सबको प्लस करो तो आंसर क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर बारह चौबीस छत्तीस, छत्तीस बारह और चौबीस छत्तीस, छत्तीस और आठ कितना होता है चवालीस, छः पचास, पचास और दस साठ, इनका योग अगर आप कर देते तो ये साठ आ जाता। तो ये क्या था, ये तो बिल्कुल बोले देसी तरीका था कि आपके पास एक छोटा सा नंबर था उसके फैक्टर किए बहुत छोटे छोटे से और उनको जोड़ दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बोले सौ का करोगे तब पता चलेगा आपको, सही बात है सर, सौ भी, सौ बहुत बड़ा नंबर होता है, सौ के फैक्टर करना आसान नहीं है। तो कैसे करें सर, एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ आपके लिए। यदि a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r हो, r हो, अच्छा मैं पहले फैक्टरी बना के देखा हूँ, ये कहानी बाद में लिखेंगे। मैं कहता हूँ 24 के फैक्टर कैसे करते हैं आप जनरली, बोले सर 24 के फैक्टर हम ऐसे करते कि 24 को लिखते सर दो की पावर एक तीन होता और तीन की पावर एक होता है, दो तिया दो की पावर तीन यानी आठ, आठ का तीन में गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा। तो सर यहाँ से टोटल अगर फैक्टर्स की मैं बात करूँ, टोटल फैक्टर्स की, तो आप फैक्टर कैसे निकालते, बोले फैक्टर निकालते तीन प्लस में एक यानी चार गुणा में एक प्लस में एक यानी दो, तो चार गुणा में दो आठ आ जाते, कितने आ जाते आठ आ जाते। अब अगर फैक्टर आठ आ गए हमारे, इसको यहाँ से भूल जाओ, अभी सौ को बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। अगर टोटल फैक्टर आठ आ गए तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, देखिए आपको दिया है यदि a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r हो, आगे भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि तीन ही फैक्टर हो, चार पांच कितने भी हो, तथा a कॉमा b कॉमा c प्राइम संख्याएं हो या प्राइम नंबर्स हो, तब क्या कंडीशन बनती है भाई, तब होता यह है कि a की पावर आप p प्लस वन करोगे और इसमें से पूरे में से माइनस वन कर दोगे और बटे में क्या होगा a माइनस वन इंटू
बी की पावर आप क्यू करोगे और उसमें वन करो प्लस करोगे, बी की पावर क्यू प्लस वन माइनस वन कर दोगे टोटल में से और बी माइनस वन, इंटू सी की पावर आर प्लस वन करोगे इस टोटल में से माइनस वन करो अपॉन में सी माइनस वन। इस तरीके से जितने भी नंबर हो उतनी बार इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ फैक्टर्स। अब इस सवाल में इसको अप्लाई करें हम इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर इस हिसाब से क्या होता, बोले इसका आंसर सर ये होता कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है ना, इसको मानो आप ए और इसकी पावर है ये पी, ये बी है आपका तो इसकी पावर है ये क्यू, है ना वन। ए की मैं बात करूँ तो ए को अगर आप दो ले लो तो दो की पावर क्या लिखोगे सर, तीन तो पहले से ही है, तीन तीन प्लस में एक आ जाएगा और नीचे क्या होगा दो माइनस एक, इंटू तीन आपका बी है तो तीन की पावर कितनी है एक, एक प्लस में एक माइनस वन कर दोगे और बटे में क्या आएगा तीन माइनस वन। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो भाई क्या होगा, बोले दो की पावर तीन और एक चार, दो की पावर चार कितना होता है सोलह, सोलह होता है दो की पावर चार सोलह, बटे में एक गुणा तीन की पावर दो कितना होता है बोले नौ, नौ में से एक गया तो आठ आएगा। अच्छा यहाँ पर माइनस वन भी करना है तो ये पंद्रह रह जाता, कितना पंद्रह, तीन की पावर दो यानी नौ, नौ में से एक गया तो आठ और नीचे कितना बचेगा दो, दो से आठ को काटो आप तो चार बार कटेगा, आपके पास फाइनली उत्तर आया पंद्रह गुणा चार, पंद्रह गुणा चार कितना होता है दोस्तों साठ होता है, यही तो इस क्वेश्चन का उत्तर था साठ, यही तो इस क्वेश्चन का उत्तर था साठ। अब समस्या ये है कि थोड़ा सा बड़ा है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं जब ज़रूरत होती है उनकी, तो है ना, बाकी का सहारा है क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर लेते हो तो ये चीज़ें आपको कंटस्थ हो जाएंगी, ये चीज़ें यूज कर लोगे तो याद भी हो जाएंगी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करें, उससे पहले मैं आपको वो एक जो छोड़ दिया था सौ वाला वो कराता हूँ, है ना। अच्छा आगे क्या पता उसका क्वेश्चन ही हो, चलो दिया है ना ये रहा, सौ संख्या सौ के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ, ये पूछा है सीटेट 2012 में, तो यहाँ बताते हैं उस चीज़ को। बोले सबसे पहले तो सर मुझे 100 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, 100 के गुणनखंड, तो 100 के सर गुणनखंड क्या होते हैं, बोले 100 होता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यही होता है। अगर फैक्टर्स की बात करूं इसके टोटल फैक्टर्स की, तो टोटल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है मुझे, मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत थी। अब मुझे पता चल गया कि अगर इसके फैक्टर्स का सम निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स या गुणनखंडों का योग, तो कैसे निकाल पाएंगे सर, बोले हम इसको निकाल पाएंगे दो की पावर दो लिखा है यानी ए की पावर पी प्लस वन होता है, मतलब दो की पावर दो लिखा है तो दो में एक जोड़ दोगे माइनस कर दोगे वन और नीचे दो में से एक माइनस करोगे गुणा, पाँच की पावर कितना लिखा है दो लिखा है तो पाँच की पावर दो प्लस एक माइनस वन अपॉन में पाँच माइनस वन। इसको बस सॉल्व करना, देखो ध्यान से देखो, दो की पावर तीन यानी आठ, आठ में से एक गया तो सात, बटे दो में से एक गया तो एक गुणा, पाँच की पावर तीन यानी 125, एक गया तो 124, पाँच में से एक गया तो चार, बस इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपका। चार को इससे काट दो बारह, चार से बारह को काट दो तो तीन और एक इकतीस, इकतीस गुणा सात करो तो सात एकम सात, सात ती इक्कीस, 217 होगा इसके फैक्टर्स का योग, तो 217 बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, 217 आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवालों को ले लेते हैं। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, यहाँ भी योगफल पूछा तो योगफल निकालेंगे, सबसे पहले 96 के फैक्टर्स बनाएंगे, 96 के फैक्टर बनाएंगे, तो 96 के फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, बोले 96 को लिख सकते हैं 12 अट्ठे 96, 12 को क्या लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 इंटू 8, 8 को क्या लिखते हैं बोले 2 गुणा 2 गुणा 2। हमने देखा कुल मिला के 2 और 3 की तरफ ही बात घूम रही है, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो हम इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये आगे हमें निकालना है क्या, सम ऑफ फैक्टर्स, हिंदी इंग्लिश अब तो इतना समझ रहे होंगे ना, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, बोले ए की पावर पी प्लस वन माइनस वन होता है ना, दो की पावर पाँच है तो दो की पावर पाँच प्लस वन और सम में से एक माइनस कर दो और नीचे क्या लिखोगे दो की पावर एक, दो माइनस वन, इंटू तीन है,
तीन की पावर कितनी है, एक है, तो एक प्लस में एक करो और सब में से माइनस वन कर दो और अपॉन में क्या लिखोगे, तीन माइनस वन। हमने देखा दो की पावर छः, दो की पावर पाँच तो 32 होता, दो की पावर छः 64 होता, 64 में से एक गया 63 बचेगा, बटे में दो में से एक गया तो एक बचेगा। तीन की पावर दो 9, 9 में से एक गया तो 8 बचेगा, बटे में दो बचेगा। दो से 8 को काटोगे तो चार बार कट जाएगा, 63 का चार में गुणा करो, चार तिया 12, चार छंके 24, 24 और एक 25, 252 आंसर आ जाएगा। आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 252 इज़ द राइट आंसर, 252 इज़ द राइट आंसर। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और भी तरीके होते हैं निकालने के, लेकिन कोई ऐसा तरीका आप अपना हमेशा जिसे आप आगे तक ले जा सको, आगे तक याद रख सको। ऐसा नहीं कि दो क्वेश्चन बना लिए उसके बाद दिक्कत आने लगे, है ना। अभी भी कोई भी तरीका हो, थोड़ा सा टफ हो चलेगा, लेकिन यूनिवर्सल होना चाहिए, हर तरह के सवालों में लगे, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो हमें करने में। चलिए आगे कुछ और सवाल देखते हैं। 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, देखो अभाज्य गुणनखंड निकालना, प्राइम फैक्टर्स निकालना मैंने पिछले क्लास में आपको सिखा दिया था। तो भाई सबसे पहले तो 42 के फैक्टर्स लिखो, तो ये क्या होता है, 21 दूनी 42, 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, ऐसे लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, यानी सीधे सब मतलब ये है कि ये 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 7 की पावर है, 7 की पावर 1 है। और तीनों ही कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर है। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, टोटल प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे एक लिखा है तो एक लिख देंगे सीधे, इसमें कुछ जोड़ते नहीं है, यहाँ पे एक लिखा है तो एक को जोड़ देंगे और एक को जोड़ देंगे, कुल मिला के तीन प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके, कितने होंगे भाई, तीन प्राइम फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर्स को सीधे जोड़ देते हैं, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ भी जोड़ना नहीं, सीधे जोड़ देते हैं, एक दो तीन जितनी भी संख्या होती है उनको सीधे जोड़ देते हैं। चलो संख्या 105 के गुणनखंड की संख्या कितनी, सी टेट 2013 में पूछा गया था, 105 105 105 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो 35 15 15 सत्ते 105, सबकी पावर कितनी है, एक एक 7। टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालें, एक प्लस में एक गुणा एक प्लस में एक गुणा एक प्लस में एक, दो गुणा में दो गुणा में दो, यानी आठ, आठ आ गए, आठ इज़ द राइट आंसर, आठ इज़ द राइट आंसर, इसका तीन उत्तर था। ये हमने कर लिया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 40 के धनात्मक गुणनफल या गुणांक कितने हैं, मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स बताने, पॉजिटिव फैक्टर्स बताने, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने, टोटल फैक्टर्स की बात कर रहा है भाई। 40 के फैक्टर करना तो 40 के कैसे करेंगे, दो पंजे 10, सॉरी दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो ये क्या बना, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। टोटल फैक्टर निकालना है तो 3 प्लस में 1 गुणा 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 2 बराबर 8, 8 इज द राइट आंसर। आसान सवाल था ये तो। नेक्स्ट 36 के धनात्मक गुणांक आप निकालना, 36 के धनात्मक गुणांक निकालना है, आप निकालेंगे सर इसको, फैक्टर्स में बता देता हूँ, अगर लिखना है तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये एक जोड़ोगे तो 3 बन जाएगा, 2 में एक जोड़ोगे तो 3 बन जाएगा, तीनों का गुणा करोगे तो 9 बन जाएगा। सर ये भी बहुत आसान था। अच्छा 108 के अभाज्य गुणनखंड ने, ये आप निकालना सर, आप निकालना एच डब्ल्यू आपके लिए। नेक्स्ट ये वाला सवाल देखो भाई, ये बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा अलग फॉर्म में सवाल दिया है। एन बराबर ये दे रखा है आपको, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 हो तो एन के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, यानी पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। इसको आप कैसे लिख सकते थे सर, 4 की पावर अगर 11 में कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, बोले सर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 2 बचेगा, फिर 4 की पावर 3 बचेगा, बचेगा ऐसा। 4 की पावर 11 इंटू 1 प्लस में 4,
चार की पावर दो क्या होता है 16, चार की पावर तीन क्या होता है 64। अगर मैं सबको जोड़ दूँ, सबको जोड़ दूँ और इसको प्राइम नंबर में लिखना चाहूँ तो इसको 2 की पावर 22 लिख सकता हूँ, 4 की पावर 11 को 2 की पावर 22 लिख सकते हैं। इन सबको जोड़ो तो 5, 5 और 16 21, 21 और 64 85 हो गए। कितना हो गया? 85 हो गया। अब 85 को भी प्राइम नंबर्स में तोड़ूँ तो 2 की पावर 22 इंटू 5 इंटू 17, 17 पंजे 85 होता है, 5 की पावर 1 है, 17 की पावर भी 1 है। टोटल फैक्टर्स की बात करें तो कैसे निकालते हैं सर? 22 प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में 1, तो ये तो हो गया 23 गुणा में 2 गुणा में 2, 23 दूनी 40, 40 दूनी 92, कुल मिला के जो फैक्टर्स की संख्या वो 92 है। कितनी है मेरे दोस्त? 92, 92, ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, मैंने ये दो सवाल इसलिए लिए हैं, ये फैक्टर्स के तो नहीं है, पर ऐसे सवाल आ जाते हैं डिविजिबिलिटी पर। बोले एक संख्या दे देंगे 4 की पावर 61, 62, 63, 64 किसके द्वारा विभाजित है, किसके द्वारा डिविजिबल है? तो देखो सवाल क्या था, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 किसके द्वारा डिविजिबल है। तो मैं इसमें से 4 की पावर 61 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1। यहाँ से क्या बचेगा? बोले 4। यहाँ से 63 में से 4 की पावर 61 बाहर है, यानी 4 की पावर 2 मतलब 16 बचेगा, और अगले स्टेप में 4 की पावर 3 यानी 64 बचेगा। तो आप जानते हैं सर ये 4 की पावर 61 तो है ही, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो अभी जोड़ा था ये कितना आ गया? 85 आ गया। कितना आ गया सर? 85 आ गया। अब आप ये कहो कि 3 से भाग दूँ तो ना तो 4 में 3 का भाग जाता है ना 85 में जाता है। मैं इसको और थोड़ा सा तोड़ के ऐसा लिख सकता हूँ 17 गुणा में 5, 17 गुणा में 5। अगर मैं 11 से भाग दूं तो किसी भी संख्या में 11 का भाग नहीं जाता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ना तो 13 से भाग जा सकता। 10 क्यों आंसर होगा? उसका कारण ये, एक 5 ये है, 2 आप इसमें से निकाल सकते हो, इसको 2 की पावर 60 दूनी 120, 122 भी तो लिख सकते थे, तो 2 यहाँ से भी निकल सकता है, एक 5 यहाँ पर, तो 10 से डिविजिबल होगा। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा भाई? 10 से डिविजिबल होगा। एक और सवाल ऐसा लेते हैं, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 प्लस 3 की पावर, अच्छा चल, इसमें से अगर 3 की पावर 25 को मैं बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस में पावर 1 है यानी 3, यहाँ पे पावर 2 बचेगी यानी 9, यहाँ पर पावर 3 बचेगी यानी 27। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं 3 की पावर 25 गुणा में 3 और 1 4, 9 4 13, 13 और 27 40, कितना हो गया? 40। अब देखो 40 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता, 25 से डिविजिबल नहीं हो सकता, 16 से डिविजिबल नहीं हो सकता। देखो भैया 3 की पावर ये क्या है? 25 है, इसको मैं 3 की पावर 24 गुणा में 3 गुणा में 10 गुणा में 4 ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने देखा 3 गुणा 10 कितना होता है? 30। अगर पूरी टर्म गुणा में है और अगर 3 गुणा 10 डिवाइड हो गया किसी भी संख्या से तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो भाई ये 30 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये 30 से क्या है? कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये आपका जो फैक्टर टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, जो फैक्टर टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया हमारा। अगला जो टॉपिक होगा इसी क्रम में या तो एलसीएम एचसीएफ होगा, ये घातांक करनी है ना, कोई भी एक टॉपिक होगा कल हम करा देंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक कल होगा 10 फरवरी को। अच्छा ये जो क्लास है 9 तारीख में आपको 2 फैक्टर की क्लास मिलेंगी, एक 10 बजे भी चल रही होगी और 10 बजे से 11 बजे तक, और दूसरी क्लास आपको शाम तक मिल जाएगी। तो फैक्टर्स की दोनों क्लासें देख लेना बैक टू बैक, ठीक है भाई? चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।